नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में एक निर्माणाधीन फ्लोर मिल से गिरकर लखनऊ के एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। मामले को संदिग्ध मानते हुए मृतक कॉन्ट्रैक्टर के पुत्र ने मिल मालिक व भाजपा विधायक के दो भतीजों के विरुद्ध 30 लाख रुपए बकाया ना देने के आरोप लगाकर बेनीगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेनीगंज कोतवाली इलाके के बेनीगंज चौराहे पर एक मैदा मिल निर्माणाधीन है, जिसके निर्माण का ठेका शिव नारायण साहू निवासी कठौता झील गोमती नगर लखनऊ ने लिया था। रविवार की सुबह शिव नारायण साहू की संदिग्ध अवस्था में इस निर्माणाधीन फ्लोर मिल से गिरकर उस समय मौत हो गई जब घायल अवस्था में इलाज के लिए CHC संडीला उन्हें ले जाया गया था। मामले की जानकारी मिलते ही मृतक का पुत्र दीनू साहू मौके पर पहुंचा। उसने अपने पिता की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। बेनीगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में दीनू साहू का कहना है कि उसके पिता ने इस मिल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसका 30 लाख रुपए बकाया था और रुपया ना देना पड़े इसीलिए उसके पिता को मिल मालिक संदीप अग्रवाल और दीपक अग्रवाल ने मारपीट कर मार दिया है। हालांकि पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अपनी जांच शुरू कर दी है। शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। बताया जाता है कि मिल संडीला से भाजपा के विधायक राजकुमार अग्रवाल के सगे भाई उमेश अग्रवाल उर्फ टीटू का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। मैं सुनील यादव और ये सुनील साहू जी, हम लोग मिलके मिल बनाना चालू किए थे। लगभग 10-11 महीने हो गए आपको बनाते बनाते। इसके बीच में काम चलता रहा, काम इनका फाइनल होने पाया। तब जब हम लोगों ने पैसा मांगा तो इन्होंने पैसा देने से इनकार किया और लेबर को थोड़ा थोड़ा खर्चा देते रहे बस। उसके बाद कहें कि लास्ट में हिसाब होगा तुम्हारा जो भी होगा। और ये मिल संदीप अग्रवाल जी की है और इनके पार्टनर अमित और नरेश जी, तीन लोग की है पार्टनर इसमें हैं। ये लोग इसी में 7 बजे शिव नारायण जी, क्योंकि ये लखनऊ में रहते थे, इनकी तबीयत खराब थी तो इस वजह से मैं काम यहाँ देख रहा था। तो कल शाम को 7 बजे आए थे यहाँ। उसके बाद मेरे साथ आए, खाना पीना खाए शाम को। उसके बाद ये कहे हम हिसाब करने जा रहे कमरे मेल पे, तो रजिस्टर वगैरह लेके मेल पे चले गए थे। उसके बाद ये वही रुके रहे, हम अपने कमरे पर रुके थे। इसके बाद मैं सुबह आया 8:15 बजे मौके पे, तब वहाँ से कुछ लेबर जो है उनको नीचे लेके आ रहे थे पकड़ के कि इनके चोट लग गई है। बस मैं इनको लाद के सीधे यहाँ लेके आया संडीला अस्पताल, जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा इनकी डेथ हो चुकी है। फिर वहाँ से 30 लाख रुपया बाकी है। तो वहाँ पे हिसाब करने के लिए कौन मौजूद था, कोई मालिक की तरफ से कौन मौजूद था? मालिक की तरफ से मालिक लोग वहीं रहते हैं, दीप और अमित रहते हैं और नरेश, दो लोग रहते हैं वहीं मौके पे जो इनके पार्टनर संदीप जी। हिसाब करने गए थे, मैं तो वहाँ था नहीं मौके पे, अकेले ही गए थे। क्या हुआ मैं क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि पैसा ज़्यादा निकल रहा था। जो है ना, जो शिव नारायण है वो हमारे बड़े पापा है, और शाम को हमारे साथ मुलाकात किया, फिर कह रहे थे कि हमको 500 रुपये लो, हम वहाँ दाल मिल जाएंगे। मालिक हमको जो है ना पैसे के लिए बुलाया है, करीबन हमारे 30 लाख रुपए जो है ना वहाँ पर चाह रहा है मालिक। तो मालिक कह रहे थे कि पैसे के लिए चले जाओ, तो वहाँ पर संदीप अग्रवाल का दाल मिल बनना है, विधायक का, और जो है ना तो वहाँ पर आए थे वो, और हमसे कह रहे थे कि पैसे वहाँ पर ले जाओ। तब जो है ना फिर क्या जानकारी मिली आप लोगों को? तो हमको जानकारी मिली सुबह 9 बजे उनकी जो है ना मौत हो गई। कैसे मौत तो हुई, क्या आशंका? कह रहा था कि उसको जो है ना छत से पांच मंजिला छत से गिर दिया है, वहाँ से उनको मौत हो गई। हम लोग का आशंका लग रही है कि वहाँ पर मतलब मारपीट हुआ होगा, तो कुछ ऐसी मंजिल का मृत्यु हुआ। यहाँ पर मैदा मिल में ठेका लिए हुए थे, जिनका पैसा बकाया था उसी का हिसाब करने आए थे, और यहाँ पे उनको सूचना मिली कि मेरे पिताजी को चोट लगी है गिरने से। जब मैं मौके पहुँचा तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, इसको इलाज के लिए ये लोग ले आए थे संडीला में, तो यहाँ पंचायतनामा भरा जा रहा है मेरे द्वारा। तो क्या आरोप लगा रहे हैं घर वाले, क्या आरोप लगा रहे हैं? इनमें आरोप लगा रहे हैं कि मुझे संदेह है कि मिल मालिक संदीप अग्रवाल
दीपक अग्रवाल उनके साथियों ने मिलकर पैसा न देना पड़े इसलिए मेरे पिताजी को मारा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।